हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, तो आपका मेरे वाइब टेक में स्वागत है। अगर आप नए यूजर तो प्लीज गाइस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप सच में इस ब्रांड के फैन प्लस के रियलमी अपना 200 MP कैमरा लेकर आ रहा है, कैमरा नहीं कह लो फोन का जो फर्स्ट लॉन्च करने आ रहा है 200 क्योंकि 200 MP कैमरा होगा उस स्मार्टफोन का, वो कौन सा है रियलमी का, तो प्लीज गाइस इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देता रहूंगा। तो करता हूं स्टार्ट वीडियो और बताता हूं कि इस रियलमी में आपको कौन से फीचर्स देखने को मिलेगी और इसका कैमरा आपको कैसा लगेगा, इसके क्वालिटी कैसी होगी, और ये नाम का कैमरा होगा कि आईफोन को टक्कर देगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहना। तो करता हूं स्टार्ट वीडियो को, आप बताओ कि रियलमी अपना कौन सा स्मार्टफोन लेकर आ रहा है। तो रियलमी 200 MP के साथ जो कि लॉन्च करने जा रहा है आपका Realme का 11 Pro जो कि मई में ही लॉन्च होने जा रहा है। इसके रूमर भी हो सकते हैं गाइस, मैं आपको ऑफिशियल नहीं कह सकता कि जी इस डेट को ही लॉन्च होगा, जी मई में ही लॉन्च हो जाएगा, क्या पता आपको इस वीक जो नेक्स्ट वीक में आपको ये देखने को मिलेगा। तो Realme के मतलब जो चीन में कह लो कि ये सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है Realme का 11 Pro, इसमें आपको 200 MP कैमरा देखने को मिलेगा और Realme की अपकमिंग स्मार्टफोन प्रो 200 MP कैमरा दे सकता है, OS इसमें आपको सपोर्ट कर सकता है। और अगर हम इसके इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, तो अगर हम बात करें सीधे इसकी लीक्स की, तो 11 Pro सीरीज इंडिया को मतलब की 4x सेंसर यूज टेक्नोलॉजी दिया जा सकता है और ये की मार्केट चीन की 10 मई को जो लॉन्च करने वाला है जल्द ही इंडिया में भी एंट्री मारेगा। तो मतलब कि वहां पर ये लॉन्च होने जा रहा है चीन में Realme का 11 Pro 200 MP, और इसका प्राइस तो करेंगे बाद में डिस्कस क्या रहने वाला है, और ये मतलब इंडिया में भी बाद में करेगा एंट्री। तो आप इस स्मार्टफोन को बाय करना, आपको बता दूं कि शायद Redmi का या Xiaomi का भी फोन ऐसा है 12 Pro Plus 5G ऐसा जो कि 200 MP कैमरा है। तो आपको ये बेस्ट लगा कि वो बेस्ट लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस स्पेसिफिकेशन जानने के बाद आपको कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा, Realme का कि या आपको Redmi का जो 12 Pro Plus 5G है 200 MP कैमरा के साथ। तो Realme अपकमिंग 11 Pro Plus जो कि लीक्स दी हुई है इन्होंने कि 200 MP कैमरा, iOS सेल HP 3 सेंसर दिया हुआ है इसमें, आप Realme के 4x लाइसेंस यूज दिया हुआ है और आपको 20 मल्टीपल यूज मल्टी यूम कर सकते हो इसको, और इसके साथ आपको स्पोर्ट्स ये भी कह रहा था कि आपको प्राइमरी 2 MP कैमरा और iOS भी देखने को मिलेगा। सीधे हम बात करें इसके डिस्प्ले पर आए थे, इसकी डिस्प्ले आपको 6.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले की AMOLED स्क्रीन दी हुई है, और इसमें आपको इसका जो रिफ्रेश रेट अगर हम बात करें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें Realme का 11 Pro में देखने को मिलेगा। अब बात करें इसे चीपेस्ट जो आपको डिमेंसिटी दी हुई है, इसमें जो Realme का MediaTek की डिमेंसिटी 750 SoC प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, इसके साथ माली Z68 MC4 दिया हुआ है, इसमें आपको दो प्रोसेसर ARM Cortex A78 दिया हुआ है और 2.6 हर्ट्ज की क्लिक दिया हुआ है, और जो आप इसमें आपको इनफिशियल कोर दिया 2 GHz की स्पीड क्लिक दिया हुआ है, इसमें आपको जे आपको चीपेस्ट इसमें इनसाइड देखने को मिलेगी, इससे आपकी स्पीड जो स्मूथ फोन में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें इसकी बैटरी और चार्जिंग की, और आपको तो Realme की जो अपकमिंग बैटरी है 5000 mAh बैटरी के साथ आपको Realme का 11 Pro Plus देखने को मिलेगा, और 67 क्या फास्ट चार्जर भी आपको Realme 11 में देखने को मिलेगा। अब बात करें इसी रैम की, तो आपको बता दो 12 GB रैम के साथ जो Realme का 11 Pro प्लस लॉन्च होने आ रहा है, और 256 GB स्टोरेज भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसके कैमरा की, तो आपको बता दें कि इसके जो सेल्फी कैमरा आपको 16 MP देखने को मिलेगा, जो प्राइमरी कैमरा का 200 MP कैमरा देखने को मिलेगा, और 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP माइक्रो सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो आपको गाइस ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और मुझे एक कमेंट में ये बताना कि जो Redmi का 12 Pro Plus 5G है इसमें 200 MP कैमरा, जो एक साइड है Realme एक साइड है
रेडमी, तो आपको बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा लगा, उसमें भी आपको 200 एमपी कैमरा वो भी 30,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा रेडमी का 200 एमपी कैमरा। और जो रियलमी का 11 प्रो है ये 200 एमपी कैमरा है, इसमें आपको 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज और साथ ही आपको इसमें जो मीडिया टेक दी हुई है 750 SoC देखने को मिलेगी। और गाइस इसमें 16 MP सेल्फी कैमरा और जो 8 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP सेंसर भी देखने को मिलेगा इसमें। तो आपको बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा लगा मुझे कमेंट में बताना, और ये मैं इसकी वेट कर रहा हूँ कब ये इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, और इसके प्राइस भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका प्राइस क्या रहने वाला है, कंपेयर करके बताऊंगा कि रेडमी और रियलमी कौन सा बेस्ट प्राइस मुझे लगा और आपको लगा मुझे कमेंट में जुटाना है। मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल व्हाइट टेक को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, मैं आपको ऐसे लेटेस्ट न्यूज देता रहूंगा। बाय बाय गाइस।